हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा कैमरा, पैरानोमिक कैमरा है ये आईपी कैमरा कहते हैं इसे, ये बल्ब वाला कैमरा है और इसको मैं पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बहुत जल्दी से। तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से अंदर का व्यू होता है इसका। इसके साथ एक यूज़र मैनुअल आती है, ठीक है। ये V380 करके एप्लीकेशन है, उसके थ्रू ही ये इंस्टॉल मतलब चलता है फोन के अंदर। तो इस तरीके का ये कैमरा है और ऐसा मत सोचिएगा कि और भी टाइप के इसमें मॉडल्स आते हैं। तो जैसे ही ये वर्क मैं इसका सिखाऊंगा इस तरीके से वो भी इंस्टॉलेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अलग प्रोसेस है, थोड़ा बहुत माइनर सा कुछ अलग डिफरेंट होता है और वो भी एप्लीकेशन में हल्का बहुत, बाकी सब इसी की तरह इंस्टॉलेशन होता है इसका। तो इसको ये देख लीजिए, इस तरीके का कैमरा है ये। इसके अंदर हम देखते हैं और खोल के क्या निकलता है। इसके अंदर देखिए कुछ पेचेज हैं जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे और एक ये इसके अंदर पिन दी होती है जिसके थ्रू आप इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी फोन के साथ इसको अटैच कर दिया हो तो उसके तरह रीसेट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें बाद में। और ये इस तरीके का ये अंदर इसके ये वो आता है इसका होल्डर, क्योंकि इसका होल्डर असल में ये दूसरे तरीके का होता है, तो इसलिए इसका होल्डर कंपनी ने इसके साथ ही दिया हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए कोई होल्डर ढूंढने में, क्योंकि इंडियन होल्डर अलग होते हैं और ये होल्डर अलग होता है। तो इस तरीके से ये फिट होता है घूम के, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट होता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वायर है मेरे पास और ये टेस्टर है, इसकी मदद से इसके अंदर ये खोल कर हम इसके अंदर ये वायर लगा देंगे दो अलग अलग। और डायरेक्ट ये एसी वायर लगाने हैं, मतलब कि डायरेक्ट आप बिजली से ही वायर लगाने हैं। ऐसा है कुछ नहीं कि इसके अंदर आपको बैटरी के वायर लगाना है या कुछ, ये डायरेक्ट बिजली से चलने वाला प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट आप बिजली से चला सकते हैं। तो इसको मैं खोल के जल्दी से दिखा देता हूँ और आपको लगा के ही दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने कर लिए हैं ये, इसमें आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। आप वैसे इसको खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं घर में, कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड फंक्शन नहीं है इसका। अगर थोड़ा सा आप इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज रखते हैं तो आप इसको खुद भी फिट कर सकते हैं, ड्रिल मशीन वगैरह की मदद से इसको आप दीवार में लगा सकते हैं। और ये तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट एसी देना है, इसमें बिजली देने है तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट दे दिया। अब ये जो दूसरे वायर है ये मैं इसको बिजली में इंस्टॉल कर दूंगा इन वायर्स को। और इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें डायरेक्ट ये एसी आती है मतलब बिजली से है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतिएगा कि कभी आपको करंट ना लग जाए। तो इसके अब जब आप मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप जब भी इसका ऑन करिएगा जब आप इसको फिट कर लें अच्छी तरह, और कैमरा फिट वगैरह करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर भी करंट रहता है यहाँ पर इस जगह भी, जब इसमें आप बिजली चालू कर देंगे तो इस जगह भी करंट आ जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आप लीजिएगा। और इसको मैं करता हूँ ऑन, इसको स्टार्ट करता हूँ। इसका जो वायर है ये दो मैं बिजली में लगा देता हूँ। तो मैंने वो बिजली में लगा दिया बट ऑन नहीं करा अभी स्विच। इसको हम जल्दी से पहले इसको हम कस लेंगे इस तरीके से। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है आपको ऊपर से बल्ब को, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, नहीं तो ये कसेगा ही नहीं। आप इसको फिर अलग से दूर रख दीजिएगा इस तरीके से, और इसको फिर ऑन कर देता हूँ मैं स्विच को। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक लाइट भी जल जाती है, जब अगर ये ऑन होगा तो ये इसमें लाइट जल जाती है। अभी वो लाइट में भी जली नहीं है, तो अभी तक मैं एक बार तार चेक कर लेता हूँ इसका। तो अभी इसमें लाइट अभी भी जली नहीं है, एक मिनट में। तो अभी इसमें लाइट जल चुकी है, ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लाइट, इसकी हल्की पिंकिश कलर की लाइट है, ये जल गई है। और ये अपने को संकेत भी दे दिया इसने, और कुछ बोला भी है ये, ठीक है ना। अपने को संकेत दे दिया कि हाँ ये ऑन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें मतलब ये बिजली इसमें सही से लग चुकी है। अदरवाइज आप इसको मैं टेस्टर की मदद से भी दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, ये न्यूट्रल फेस में आएगी इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए लाइट जल रही है, देखिए। तो ये पूरी एसी डायरेक्ट है, तो इसके थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको
तो ये देखिए इस तरीके से एक एक मिनट पूरा ले लेता है ये ऑन होने के लिए, और उसमें लास्ट में जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद ये बोलता है सिस्टम इस्टेब्लिश, मतलब ये पूरा ऑन हो चुका है, अब ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है, ठीक है ना। और अगर ये नहीं बोलता है इस तरीके का तो इसका मतलब है कि ये पहले किसी अनदर डिवाइस से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए नहीं हो रहा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर एक ये रीसेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, ये देखिए रीसेट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके जस्ट बराबर में सारे होल छोटे हैं बट ये वाला होल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें मतलब कि इसमें जो पिन की सहायता से हम इसको अभी एक बारी मैं करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से इसको रीसेट किया जाता है। तो ये जैसे ये पिन है, मैं इसमें से इसको निकाल लेता हूँ पिन को, ठीक है ये पिन निकल गई है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर ये जो छेद है इसके अंदर डालना है होल जो है, इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, आपको लगेगा कि बटन जैसे आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो, तो उस तरीके दबाए रखना है आपको। ये देखिए ये लाइट ब्लिंक करने लग गई है, अब ये रीसेट हो चुका है, अब आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अपने आप रीसेट हो जाएगा, उसके बाद ये फ्रेश पीस हो जाएगा, जैसे मार्केट से आता है नया पीस, इस तरीके का नया पीस हो जाएगा। ये अब इस्टेब्लिश बोल दिया ना, एक्सिस पॉइंट इस्टेब्लिश, मतलब कि अब ये फुल रीसेट हो चुका है और इसके अंदर ये ब्लू लाइट जल चुकी है, तो इसका मतलब ये अब रीसेट हो चुका है, अब ये नया पीस दोबारा बन चुका है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट क्यों नहीं जल रही है इसकी, ये लाइट तभी जलेगी जब यहाँ पे इसको अंधेरा दिखेगा, कि मतलब जैसे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही ये जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। मैं आपको ये भाई दिखा भी देता हूँ कि मैं एक बारी अपनी फ्लैश लाइट ऑफ करके ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये जला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑटोमेटिक जल जाता है, ठीक है ना। मैं अभी एक बार फ्लैश लाइट और बंद कर देता हूँ, देखिए अभी ये लाइट इसमें अपने आप जल जाएगी थोड़ा सा, अभी बाहर से भी रोशनी आ रही है इस वजह से मैं भी ये जल नहीं पा रहा, अभी जलेगा देखना आप, इसको लगेगा कि हाँ भाई अंधेरा हो चुका है। ये देखिए तो ये इस तरीके से लाइट इसकी अपने आप अंधेरे में अपने आप जल जाएगी, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको इसकी लाइट जलाने की जरूरत है, बट आप इसको वैसे वर्किंग भी कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आपको लाइट जलानी तो वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी एप्लीकेशन के थ्रू कि आप इसको कैसे, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक ऑफ है। अब देखिए इस मैंने हाथ हटाया तो अपने आप बंद भी हो गई, कि इसको रोशनी दिख गई है क्योंकि इतनी रोशनी में वीडियो बना सकता है ये, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं वीडियो, मतलब सॉरी लाइट का प्रोसेस है। अब मैं आपको इसको मोबाइल के थ्रू समझाऊंगा किस तरीके से इसको इंस्टॉलेशन करना है फोन में। तो फ्रेंड्स अब मैं सिखाऊंगा आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे सर्च का ऑप्शन है, उसमें V380 एप्लीकेशन सर्च करेंगे, नाम डालेंगे तो ये फर्स्ट पे ही आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगी। ये देख लीजिए एप्लीकेशन को एक बार, और ये प्रो वगैरह कोई भी डाउनलोड नहीं करनी, केवल ये V380 वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप मैंने पहले से इंस्टॉल करके रख रखी है, तो आप इसको सिर्फ ओपन करना है, मुझे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये इस तरीके से कुछ स्क्रीन आएगी, अभी ओपन हो रहा है तो ये देखिए ये इसमें दिखा आ रहा है कि ये GPS आपका लेगा, तो इसको एग्री कर देना आप कोई से मोबाइल में हो, अदरवाइज चलेगा नहीं। उसके बाद ये जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं ट्राई विद एन अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये जो मैंने अभी ऑन कर रखा है कैमरा, ये लिंक इस तरीके से कनेक्टिंग वाला दिखा देगा इसको, अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ कुछ लोगों का क्योंकि ये दिखाता नहीं है, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना होता है वो मैं बताऊंगा आपको। आप सबसे पहले क्या करना है, इसके वाईफाई में जाएंगे, आप वाईफाई में जाना है आपको, वाईफाई में जाने के बाद आपको वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई में ये आपको ना ये कैमरे का देखिए नेम दिखा देगा, ये नेट आ रहा है ना वाईफाई VMV करके आ रहा है, कुछ MV16 इस तरीके के नेम्स आते हैं, तो वो नेम्स आपको देखना है, तो ये इस तरीके से MV करके कुछ शो करेगा आपका नेम, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई पासवर्ड वगैरह डालने की शुरुआत में जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट देखिए लिखा आ गया राइट, तो ये कनेक्ट हो चुका है। आप फिर उस एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसपे हम पहले गए थे,
ठीक है ना। इसको ओपन करने के बाद ये आज ये जो बटन आ रहा है ना इसके अंदर, अगर आप पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, आपको वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना, तो जैसे मैंने वो वाईफाई पे अभी जाके करा है, उसको क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है ऊपर से लेकर नीचे को स्लाइड करना है इसको दबाए रख के, ठीक है ना। ये रिफ्रेश हो जाएगा और ये कैमरा इसका आ जाएगा, बट ये अभी डायरेक्ट चल रहा है, ये आप इसकी फोन में बैठे हो 20 मीटर के दायरे में ही वीडियो देख सकते हैं इसकी। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, अगर आपको कहीं भी बैठ के देखनी है तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसका इसको आपको बता देता हूँ, देखो आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ, इसमें क्या मांगेगा जब आप इसको ओपन करेंगे डायरेक्ट चलाने के लिए है ये, सिर्फ इसको सेट पासवर्ड करेंगे। सेट पासवर्ड में मैं एडमिन 123 डालता हूँ इसमें, एडमिन 123, ठीक है। मैं आपको शो भी करा देता हूँ, देखिए तो ये एडमिन 123 करके कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद अब इसको ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो ये किसी भी फोन में नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि यार ये तो मैं किसी से भी कनेक्ट करके किसी से भी चला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। पासवर्ड इसमें पासवर्ड होता है, आप पासवर्ड इतना चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मोड भी होता है ये करके, इसको आप ये इतने सारे मोड है इसमें, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आधी दूसरी स्पीड वीडियो दिखा रहा है, ये चार साइड, ऐसा लगेगा कि घर में चार कैमरे लगा रखे हों इस तरीके से, एक कोने की व्यू, एक साइड की, इधर साइड की, एक पीछे साइड की, तो इस तरीके से भी। और मेरे को सबसे बेस्ट इसमें ये वाला व्यू लगता है, ये जो नीचे वाला व्यू है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें इस तरीके की वीडियो दिखाता है ये, मतलब साइड का व्यू और एक बीच का टोटल और एक चारों का, तीनों दिशाओं का, फ्रंट का और साइड का, पीछे का, इस तरीके से। तो फिर ये जो वीडियो है इसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, अभी क्या करते हैं हम इसको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। इसको पीछे जाते हैं, बैक पे बैक जाएंगे, बैक जाने को अब आपको समझाऊंगा वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो कि आप कहीं भी अपने फोन को ले जाएंगे तो वीडियो आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बैठ के, जहां इंटरनेट आपके फोन में है वहां पे आप बैठ के वीडियो देख सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्लस का, प्लस के साइन को आपको क्लिक करना है, इसमें लिखा आ रहा है ऐड कैमरा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड कैमरा में बीच वाले उस पर क्लिक करना है हमें, ऐड कैमरा में मैनुअल लिखा आ रहा है, ऐड मैनुअली करना है, वैसे नियर बाय डिवाइस भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा कौन सी नियर बाय डिवाइस है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सीधा वाईफाई पूछेगा, अब जैसे ये मेरा ट्रस्टम एंटरप्राइजेस का वाईफाई है जो मेरा, तो इस तरीके के आपके कई सारे वाईफाई दिखा देगा जो भी वहां पे नियरेस्ट अवेलेबल होगा, तो मेरे अभी नियरेस्ट इसका यही अवेलेबल है, तो इसको क्लिक कर देंगे। इसका यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, जब इसको क्लिक कर दूंगा तो ऊपर नाम आ गया इसका ऑटोमेटिक, और इसमें जो यहाँ पर है यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देंगे बहुत जल्दी, मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। ये पासवर्ड डालने के बाद आप इसको कंफर्म, नीचे ये कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म कर देंगे। अब देखिए वाईफाई कनेक्टिंग ने बोल भी दिया कैमरे ने, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको आप थोड़े सा पेशेंस रखिएगा, इसको कनेक्ट होने दीजिएगा, ना बैक करना है आपको, ना रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं करना है, केवल बैठ के थोड़ा सा इंतजार करना है, और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा ये वाईफाई के साथ, और कुछ बोलेगा जब कनेक्ट हो जाएगा, बोलेगा ये कनेक्टेड, जैसे अभी बोला इनने वाईफाई कनेक्टेड, इस तरीके से ये बोलता है। देखिए अब कनेक्ट हो चुका है ये, अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, होम, ऑफिस, मैं ऑफिस कह देता हूँ, ऑफिस का कैमरा है मेरा, तो आप फिनिश कर देंगे। अब ये जो है ये, अब मैं कहीं भी, ये देखिए अब ये वाईफाई हो गया, ये वाला वाईफाई है इसका, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है ये। अब इसको बैठ के आप कहीं भी किसी भी जगह आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, आप कहीं पे भी, जो नीचे शो कर रहा था वो मेरा दूसरा वाईफाई भी अटैच हो गया था इसके साथ, जो मेरा डोम कैमरा था जो मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा था, उसका मैंने पासवर्ड डाल रखा था, डाल दिया तो ये कनेक्ट कर गया उसको भी। तो इसमें कोई सा भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू काफी सारे, एक ये बल्ब कैमरा आता है, एक क्या कहते हैं डोम कैमरा आता है, एक और भी कैमरा आता है, बहुत सारे कैमरा आते हैं, उसी तरीके जैसे मैंने सिखाया है उसी तरीके से सारे कनेक्ट होते हैं, कोई ऐसा कोई अलग फीचर नहीं है कि कोई अलग तरीके से कनेक्ट होता हो। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं इसके। देखिए इसमें फीचर है, अगर आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाए रखना पड़ेगा आपको, ये पहले एग्री करना पड़ेगा कि ऑडियो डिवाइस के, हेलो, ये देखिए इसमें आवाज आई कैमरे में, तो इस तरीके से ये कैमरे में आवाज आएगी, और अगर उधर की आवाज सुननी है आपको तो इसको क्लिक कर रखना है, और इसकी आवाज वॉल्यूम अप करेंगे तो इसमें भी आवाज आएगी फोन में भी। अगर आपको म्यूट करना है तो म्यूट भी कर सकते हैं, कुछ इसकी फोटो लेनी है तो आप फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी जैसे लाइट था,
मैंने आपको बताया था कि लाइट का फंक्शन भी है इसके अंदर। ये देखिए आप इससे भी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी। ये देखिए इसकी लाइट ऑन भी हो गई, ऑफ भी हो गई और ऑटो, मतलब ऑटो में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली नाइट होते ही लाइट जल जाएगी और दिन होते ही अपनी ऑन हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी सॉरी। तो अगर आपको जैसा चाहिए कि दिन में भी चाहिए मुझे लाइट, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये ऑन भी हो। और ये तो लाइट का हो गया फंक्शन। अब इसमें एक चीज और है, देखिए इसमें थोड़ी सी आपको क्लियरिटी कम आ रही होगी। आप अपने कैमरे में क्या करिएगा, ये जो ऊपर एक इसमें मैंने उतारा नहीं है ये पन्नी जो है इसकी, ये आप इसमें ये पॉलिथीन इसकी उतार लीजिएगा तो इसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से उतर जाती है, ठीक है ना, तो ये और क्लियरिटी इसकी आ जाती है इसके फोन में, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें फीचर जो मैं आपको नहीं बता पाया अभी तक। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज छूट गई है मुझसे जो मैं नहीं बता पाया, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसमें इस तरीके के फंक्शंस हैं, बाकी ये इसी तरीके कनेक्ट होते हैं, और भी कैमरेज आते हैं आईपी कैमरेज, कुछ इसी तरीके से कनेक्ट होते हैं। बाकी मैं आपको नए नए कैमरास की वीडियो और भी बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा, और अनबॉक्सिंग नए नए कैमरास को करते रहेंगे हम आगे भी इसी तरीके से। और बाकी ऐसा कुछ इसमें फीचर और है नहीं, लाइट वगैरह का ही है मेन। और इसका थोड़ा सा बस प्रिकॉशन रखिएगा और लगा दीजिएगा जहां आपको लगाना है, बहुत सेफ, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। किसी का गोदाम वगैरह उसके लिए आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।